हेलो ऑल व्यूअर्स एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज हम बात करने वाले हैं एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी की। इससे पहले हम लोगों ने स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात की थी। आज एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी की बात करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि इसका जो वर्किंग है, प्रिंसिपल है, वो इंटायरली डिफरेंट है जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हमने इससे पहले पढ़ी थी। ये इंटायरली डिफरेंट है और ये इतना ज्यादा जबरदस्त इन्वेंशन था कि इसकी वजह से इसको इन्वेंट करने वाले गर्ट बेनिंग को 1986 में नोबेल प्राइज तक मिला था। तो इतनी जबरदस्त डिस्कवरी थी। तो आइए शुरू करते हैं एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। तो एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी की शुरुआत क्यों हुई या क्यों जरूरत पड़ी कि एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप बनाया जाए, उसको इन्वेंट किया जाए, क्यों जरूरत पड़ी आखिर? तो इससे जस्ट पहले जो माइक्रोस्कोप यूज किया जा रहा था वो था स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। उसकी एक प्रॉब्लम थी। उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि जो भी सैंपल यूज किया जा रहा था उसका कंडक्टिंग होना बहुत जरूरी था, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था स्कैनिंग एंड टनलिंग माइक्रोस्कोप का, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था जिसको काउंटर करने के लिए यूज किया गया एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। इसी को काउंटर करने के लिए आया एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, AFM इसको शॉर्ट में कहा जाता है। पूरा नाम एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप है। नेक्स्ट पॉइंट में हमने लिखा है कि गर्ट बेनिंग जिन्होंने इसको डिस्कवर किया उनको 1986 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया इस डिस्कवरी के लिए, ठीक है? इसका दूसरा नाम, एक और नाम से हम लोग इसको जानते हैं जो है कि स्कैनिंग फोर्स माइक्रोस्कोप। पहला नाम तो एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप जो मैंने बताया AFM, और दूसरा नाम है स्कैनिंग फोर्स माइक्रोस्कोप, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। तो अब चलते हैं इसके पार्ट्स क्या क्या हैं, फिर हम लोग धीमे धीमे इसके प्रिंसिपल और इसकी वर्किंग की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं पार्ट्स के ऊपर, कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं। सबसे पहले कैंटिलीवर। कैंटिलीवर एक इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ये जो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? कैंटिलीवर है, ठीक है? इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? कैंटिलीवर। कैंटिलीवर एक शीट है, मेटल की शीट है, उससे जुड़ा हुआ है एक पॉइंटेड टिप, ठीक है? ये यहां पे जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये टिप है, इस कैंटिलीवर के साथ अटैच्ड है। तो कैंटिलीवर क्या है? एक मेटल की शीट है जिससे कि जुड़ा हुआ है एक टिप। ये टिप इतनी ज्यादा पॉइंटेड है या इतनी ज्यादा कम नंबर ऑफ एटम से बनी हुई है, इतने स्मॉल नंबर ऑफ एटम से बनी हुई है, इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि जो आपकी पेन की टिप होती है ना, जो पेन की जो टिप होती है वो लगभग लगभग 1000 एटम से मिलकर के बनी होती है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि जो कैंटिलीवर की जो ये टिप है वो मुश्किल से 7 से 8 एटम से मिलकर के बनी होती है, तो इतनी ज्यादा पिन पॉइंटेड होती है, इतनी पतली होती है, कहने का मतलब ये है, ठीक है? 7 से 8 एटम से मिलकर के बनी हुई, तो सोचिए कितनी पतली होगी। तो पहली बात हो गई कैंटिलीवर की। इस ये पोर्शन आपका जो मैं ये हाईलाइट कर रहा हूं, ये कैंटिलीवर, उससे जुड़ी हुई एक टिप, यहां तक की बात हो गई। तो टिप भी हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म है, ये वाला जो एरिया है जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, दिस इज द प्लेटफॉर्म फॉर एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। प्लेटफॉर्म पे क्या चीज होगी? प्लेटफॉर्म पे पाया जाएगा सैंपल। ये देखिए सैंपल मैंने रख रखा है। सैंपल का बिल्कुल परफेक्टली बिल्कुल पैरेलल तो होगा नहीं इस प्लेटफॉर्म के, जरूर उसमें कुछ ना कुछ एबरेशन होगी, कुछ उतार होगा, कुछ चढ़ाव होगा उसके सरफेस के अकॉर्डिंग। उसका सरफेस कितना ज्यादा ऊपर नीचे है, उस अकॉर्डिंग मैंने इस तरीके से बना रखा है कि ये सैंपल रखा हुआ है। कहां पे रखा हुआ है? प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा हुआ है। तो ये बात हो गई प्लेटफॉर्म की। अब आते हैं कि पीजो इलेक्ट्रिक ट्यूब। ये जो चीज यहां पे लगी हुई है, ये जो चीज आप देख रहे हैं, मैंने इसको बताया है कि ये है पीजो इलेक्ट्रिक ट्यूब। अब पीजो इलेक्ट्रिक ट्यूब का क्या काम है ये समझना बहुत जरूरी है। ये जो प्लेटफॉर्म है इसको मूव करवाना है। मूव किस तरीके से करवाना है? एक्स एक्सिस में भी मूव करवाना है, वाई एक्सिस में भी मूव करवाना है और जेड एक्सिस में भी मूव करवाना है। एक्स वाई और जेड तीनों के तीनों एक्सिस में हमें
एक्स एक्सिस में ऐसे, वाई एक्सिस में ऐसे और जेड एक्सिस में इस तरीके से हमें मूव करवाना है, किस चीज को, अपने प्लेटफॉर्म को मूव करना है, ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर सैंपल रखा हुआ है तो स्कैनिंग के लिए, अब कैंटिलीवर जो है वो, इस कैंटिलीवर अगर हम इसको इस तरीके से समझें, कैंटिलीवर ये है, ये कैंटिलीवर की टिप है, अब इसको मूव करवाएंगे तो ये इस तरीके से इस सैंपल को स्कैन करती जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली, मुझे लगता है समझ में आया होगा। तो ये सैंपल रखा है, प्लेटफॉर्म ये हो गया, पीजो इलेक्ट्रिक ट्यूब हो गई, इसका काम क्या हो गया, एक्स वाई और जेड एक्सिस पे इसका मूवमेंट करवाना, इस सैंपल का या इस प्लेटफॉर्म का मूवमेंट करवाना, ये काम हो गया पीजो इलेक्ट्रिक ट्यूब का। ये चीज क्लियर हो गई। अब आते हैं लेजर के ऊपर। यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये लेजर एमिटिंग मटेरियल है, यहां पे इससे, इस डिवाइस से लेजर निकलेगी। लेजर निकल के जा कहां रही है ये भी देखने वाली बात है। कैंटिलीवर के टिप पे जा रही है, टकरा रही है और वापस डिटेक्ट इसको कौन कर रहा है, फोटो डिटेक्टर इसको डिटेक्ट कर रहे हैं। इसके ऊपर हम लोग अभी आएंगे। तो पहले यहां तक ये चीज समझना यहां पे जरूरी है कि लेजर से लेजर एमिट हो रही है, डायरेक्शन ये हो गया, और जा करके पहुंच कहां रही है, फोटो डिटेक्टर के ऊपर पहुंच रही है। ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो लेजर का काम ये हो गया, फोटो डिटेक्टर का काम यही है कि जो एमिट हो रही है, जो टकराने के बाद जो लेजर ऊपर जा रही है उसको डिटेक्ट करना, किसका काम हो गया, फोटो डिटेक्टर का काम हो गया, ये हो गया। और कंप्यूटर सिस्टम, यहां पे कंप्यूटर लगा हुआ है, इसका काम क्या है, फाइनल जो इमेज बनेगी उसको दिखाना हमको स्क्रीन पे, उसको एनालाइज करना और दिखाना काम है कंप्यूटर सिस्टम का। और फीडबैक कंट्रोल को भी रेगुलेट करता है कंप्यूटर सिस्टम आपका, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। पहले हम लोगों ने लगभग लगभग सारे पार्ट्स के बारे में इसके बात कर ली। अब इसके हम लोग मैकेनिज्म, किस तरीके से काम होता है या क्या प्रिंसिपल है इसका, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, अगर अगर हम लोग बात करें कि ये, अगर ये एक आपका सैंपल है, नीचे प्लेटफॉर्म है और ये आपका कैंटिलीवर है और ये नीचे इसकी टिप लगी हुई है। अब होगा क्या, जैसे कि मैंने बताया कि पीजो इलेक्ट्रिक ट्यूब का क्या काम है, इसको इस तरीके से घुमाना या इस तरीके से मूव करवाना, किसको, प्लेटफॉर्म को, ठीक है, प्लेटफॉर्म को मूव करवाएगा। कैंटिलीवर की जो टिप है इससे टच्ड है, यहां पे इससे टच्ड है। अब जिस जैसे ही कुछ एबरेशन होगा या कुछ ऊपर नीचे होगा तो कैंटिलीवर क्या होगा, इस तरीके से मूव करेगा। यानी कि ये अगर ये कैंटिलीवर है, ये इसकी टिप है, तो ये इस तरीके से या इस तरीके से मूव करेगा। किस किस वजह से, डिपेंडिंग अपॉन द सरफेस। सरफेस क्या है, सरफेस मूव, सरफेस अगर एबरेटेड है या ऊपर नीचे है तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी कैंटिलीवर की टिप भी ऊपर नीचे मूव करेगी। अच्छा, ये क्यों हो रहा है आखिर, अगर आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा हुक्स लॉ, हुक्स लॉ के बारे में पढ़ा होगा, तो हुक्स लॉ क्या कहता है, एफ इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। यहां पे के क्या चीज है भाई, यहां पे के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। अगर ये हम लोग स्प्रिंग ले लें तो इसका कांस्टेंट क्या है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, के। और अगर ये स्प्रिंग में हम लोग कुछ कुछ यहां पे कुछ लोड डाल दें तो ये स्प्रिंग नीचे एक्सटेंड होगी, एक्सटेंड होगी। तो यही जो एक्सटेंशन है वो कितना है, वो एक्स है, वो एक्स है। तो एफ इज इक्वल टू जो फोर्स एक्सपीरियंस यहां पे हो रहा है वो स्प्रिंग कांस्टेंट, और कितना ये एक्सटेंड हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, यही आपका हुक्स लॉ है, ठीक। बट यहां इस केस में क्या हो रहा है, जो फोर्स है वो केवल स्प्रिंग कांस्टेंट और एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, यहां पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, जब दो जो एक एटम्स हैं, जो टिप का एटम है, कैंटिलीवर की टिप का जो एटम्स हैं वो, और जो सैंपल के एटम्स हैं वो आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, उससे, उस इंटरैक्शन से जो जनरेशन हो रहा है, जो फोर्सेस जनरेट हो रहे हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है, कैपिलरी फोर्स हो सकता है, इस तरीके के मल्टीपल फोर्सेस हैं, और वैंडरवॉल फोर्सेस हो सकते हैं, इस तरीके के मल्टीपल फोर्सेस हैं जो कि गवर्न कर रहे हैं कि कैंटिलीवर का मूवमेंट कैसे होगा, कब वो ऊपर जाएगा, कब वो नीचे रहेगा, ठीक है। मैंने ये बता दिया पीजो इलेक्ट्रिक जो ट्यूब है वो मूवमेंट कराएगी, ये भी समझा दिया कि कैंटिलीवर इससे टच होगा और मल्टीपल
फोर्सेस की वजह से जो कैंटिलीवर है वो ऊपर नीचे होगा, और इसी को इसी इसी कैंटिलीवर के इसी मूवमेंट को क्या हो रहा है, लेजर से डिटेक्ट किया जा रहा है। अब देखिए लेजर इससे एमिट करके यहां पे आएगा, जब कैंटिलीवर नीचे जाएगा तो ये जो लेजर है जो यहां पे डिटेक्ट की जा रही थी फोटो डिटेक्टर में, क्या होता है पहले ये समझ लीजिए, जो ये फोटो डिटेक्टर मैंने बनाया है वो कुछ इस तरीके से है। इस फोटो डिटेक्टर के अंदर बहुत सारे फोटो डायोड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फोटो डायोड्स पाए जाते हैं। इन फोटो डायोड्स का क्या काम है? इस लेजर को डिटेक्ट करना। अब सपोज करिए एक पोजीशन में, कैंटिलीवर की एक पोजीशन में लेजर आकर के यहां से टकराती है और फोटो डायोड पे जाती है, लेकिन सपोज करिए ये कैंटिलीवर नीचे हुआ तो लेजर यहां टकरा करके हो सकता है यहां पे जाए, तो दूसरा एक फोटो डायोड जो पहले डिटेक्ट कर रहा था उसके अलावा कोई और फोटो डायोड उसको डिटेक्ट करेगा। ये चीज बार 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 चेंज होती जाती है, यानी कि जो भी कैंटिलीवर का मूवमेंट है वो हम एनालाइज कर सकते हैं या रेगुलेट कर सकते हैं। तो इसी चीज को कि एक कांस्टेंट इंटरैक्शन बना रहे कैंटिलीवर और कैंटिलीवर की टिप के बीच में और सैंपल के बीच में एक कांस्टेंट इंटरैक्शन बना रहे, वो चेंज ना हो, इसी वजह से इस फोटो डिटेक्टर को वापस पीजो इलेक्ट्रिक ट्यूब से कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरैक्शन बना रहे, वो चेंज ना हो। इसी को हम लोग बोल रहे हैं फीडबैक कंट्रोल। फीडबैक का क्या मतलब होता है? वापस बताना, वापस फीडबैक देना। क्यों फीडबैक इसको बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि फोटो डिटेक्टर वापस से बता रहा है पीजो इलेक्ट्रिक ट्यूब को कि आखिर किस कितने डिस्टेंस पे या कैसे मूवमेंट करना है ताकि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरैक्शन बना रहे, किसके किसके बीच में? सैंपल के बीच में और कैंटिलीवर के टिप पे बीच में एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरैक्शन बना रहे। तो ये हो गया काम फीडबैक कंट्रोल का। ठीक, अब दूसरी चीज है, ये जो आपका फोटो डिटेक्टर से सिग्नल आ रहा था वो दूसरी जगह एक कंप्यूटर पे भी यहां गया है, आप देख सकते हैं कंप्यूटर पे भी गया है, और जो पीजो इलेक्ट्रिक ट्यूब से सिग्नल आ रहे थे वो भी कंप्यूटर पे गए हैं। इसका क्या मतलब है? जो भी लेजर लाइट थी, लेजर लाइट जो आ रही थी फोटो डिटेक्टर के ऊपर, फोटो डिटेक्टर ने इसको किस तरीके से यूज किया, लेजर लाइट एनर्जी को इसने इलेक्ट्रिकल करंट्स में, इसको इलेक्ट्रिक करंट में इसको ट्रांसफर कर दिया और ये इलेक्ट्रिक करंट आ गया कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर के अंदर आया और इस इलेक्ट्रिक करंट को या इस इलेक्ट्रिक सिग्नल को कंप्यूटर ने यूज करने के बाद और पीजो इलेक्ट्रिक ट्यूब से जो सिग्नल आ रहे थे उसको यूज करने के बाद एक इमेज यहां पे बना दी कि वो किस तरीके का, जो भी सैंपल था वो इस तरीके का नजर आ रहा है। तो ये पूरा क्लियर कट एक ओवरव्यू हो गया कि आखिर किस तरीके से आपका जो जो ये एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप है वो किस तरीके से काम करता है, क्या फंक्शन है कैंटिलीवर का, टिप का, प्लेटफॉर्म का, पीजो इलेक्ट्रिक ट्यूब का, फीडबैक कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और फोटो डिटेक्टर किस तरीके से काम कर रहा है। ये पूरा एक ओवरव्यू हो गया कि आपका एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी किस तरीके से, तो यही इसका प्रिंसिपल है कि कैंटिलीवर का मूवमेंट करवाया जाता है, जो टिप है इसकी कैंटिलीवर की वो स्कैन करती जाती है पूरे सरफेस को, और स्कैनिंग की वजह से एक फिक्स इंटरैक्शन रखने के लिए क्या करते हैं, फीडबैक कंट्रोल लगाते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक ट्यूब और इस फोटो डिटेक्टर के सिग्नल से हम लोग क्या बनाते हैं, एक इमेज बन जाती है जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पे विजिबल होती है। तो ये क्लियर हो गया। अब आते हैं मोड्स ऑफ वर्किंग क्या है, कौन कौन से मोड्स में काम करता है आपका एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहला है कॉन्टैक्ट मोड। कॉन्टैक्ट मोड में क्या होगा कि ये जो टिप है वो इसके जो कैंटिलीवर की टिप है वो टच करेगी, किससे टच करेगी भाई, जो कैंटिलीवर का टिप है वो सैंपल से टच करता रहेगा इस तरीके से। ठीक, ये किस 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 चीज के लिए यूज की जाती है, जो हार्ड मेटल्स हैं उनके सरफेस को स्कैन करने के लिए आपका कॉन्टैक्ट मोड यूज किया जाता है। ठीक है, अब नॉन कॉन्टैक्ट मोड क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट मोड बहुत ही जो
बहुत हल्के सरफेसेस होते हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल सैंपल्स होते हैं, उनके सरफेसेस को स्कैन करने के लिए ये यूज होता है। तो नॉन कॉन्टैक्ट मोड से ही आप समझ सकते हैं कि इसमें इस टिप का, यानी कि इस टिप का और इस सरफेस का कॉन्टैक्ट नहीं होता है, कुछ नैनोमीटर दूर से ही ये स्कैन करते चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्टैक्ट हो रहा है। कॉन्टैक्ट किसके किसके बीच में भाई, टिप के बीच में और सैंपल के बीच में कॉन्टैक्ट हो रहा है। यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट है, नो कॉन्टैक्ट है। नो कॉन्टैक्ट किसके किसके बीच में, टिप और सैंपल के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, और बायोलॉजिकल सैंपल्स के लिए ये यूज किया जाता है। ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब आप कॉमन सेंस से ये बता सकते हैं कि कॉन्टैक्ट मोड में क्या है, आपका जो टिप है उसका भी नुकसान होने के चांसेस हैं, और आपका लगातार अगर आप स्कैन करेंगे किसी चीज को तो क्या होगा, आपका जो सैंपल है उसके भी डैमेज होने के चांसेस हैं, यानी कि टिप और सैंपल दोनों के डैमेज होने के चांसेस हैं। इसीलिए ज्यादा कौन सा यूज होता है, नॉन कॉन्टैक्ट मोड जो वर्किंग मॉडल है या जो मोड्स है, मोड है वर्किंग का, वो सबसे ज्यादा यूज होता है। उसके बाद आते हैं टैपिंग मोड पे। टैपिंग मोड का क्या मतलब है, इस तरीके से ये टैप करता जाएगा इस सैंपल के सरफेस के ऊपर। तो जब जब ये टच करेगा वैसे वैसे जो भी सिग्नल जनरेट होगा उसका यूज करके इमेज बनाई जाती है। तो ये तीन तरीके के मोड ऑफ वर्किंग हो गए एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप के। अब आते हैं एडवांटेजेस ऑफ एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। दो चार एडवांटेजेस हैं वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला जो एडवांटेज है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप का, वो इमेज जो है वो यहाँ पे 3D इमेज बनती है। ठीक है, इमेज जो बनेगी वो 3D इमेज बनेगी। रिजोल्यूशन जो है वो भी काफी अच्छा है इसका, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी का जो रिजोल्यूशन है वो भी काफी अच्छा है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की तरह यहाँ पे हमको वैक्यूम की जरूरत नहीं पड़ रही है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप याद करेंगे तो वहां पे हमको वैक्यूम जनरेट करने की जरूरत पड़ती थी, वो यहाँ पे हमको जरूरत नहीं पड़ रही है। किसी इल्यूमिनेशन की जरूरत नहीं पड़ रही है या फोकसिंग की जरूरत नहीं पड़ रही है। ये देखिए आप, मैंने अभी तक इसके प्रिंसिपल में कहीं भी ये जिक्र नहीं किया है कि इसको फोकसिंग की जरूरत पड़ती है या इल्यूमिनेशन की जरूरत पड़ती है, ऐसा कुछ भी इसको जरूरत नहीं पड़ रही है। ये क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं कि डिसएडवांटेजेस की तरफ। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो डिसएडवांटेज सबसे बड़ी इसकी ये है कि अगर आप कॉन्टैक्ट मोड के बारे में बात करेंगे, कॉन्टैक्ट मोड में क्या होता है, सैंपल के डिस्टॉर्ट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, सैंपल डिस्टॉर्ट होगा। और दूसरी चीज ये है, डिसएडवांटेज की बात करें तो ये है कि जब स्कैन होने में इसको थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, स्कैन करने में जो जो टाइम टेकन है वो कुछ ज्यादा लगता है। तो डिसएडवांटेज लिख लीजिए। अच्छा, एक डिसएडवांटेज यहां पे लिख लेते हैं कि जो स्कैन करने में अच्छा, एक एडवांटेज में एक पॉइंट और लिख सकते हैं हम लोग कि यहां पे हम लोग नॉन कंडक्टिंग सैंपल का भी यूज कर सकते हैं। ये मैंने सबसे पहले ही बताया था कि नॉन कंडक्टिंग सैंपल का भी यहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं, और स्कैन टाइम यहाँ पे ज्यादा लग रहा है और जो आपके सैंपल का डिस्टॉर्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं किस कंडीशन में, जो कॉन्टैक्ट मोड अगर आप यूज करेंगे तो ये हो गया पूरा एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी के। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको इस चैनल में इस टॉपिक पे कोई भी इश्यू है या कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। थैंक यू सो मच।